हे गाइस, कुकिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की स्पेशल डिश ग्वार फली भुर्जी, जिसे हम क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसकी निंजा टेक्निक। तो आइए देख लेते कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए हमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 2 चम्मच घी। इसके अलावा हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं, तो हमें चाहिए होगा कोल या कोयला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बॉइल वाटर में ग्वार फली को बॉइल होने के लिए डाल दीजिए और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसे बॉइल होने दीजिए। सो गाइस, ये अच्छे से बॉइल हो चुकी है। अब आप वाटर ड्रेन कर लीजिए और एक बार इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। हमने ग्वार फली को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक पैन के अंदर 2 चम्मच घी डाल लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे ग्वार फली और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमारी जो ग्वार फली भुर्जी है वो बनकर तैयार है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर ऐड करेंगे। उसके लिए हम कोयले को गर्म कर लेते हैं। गाइस, आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए और बीच में आप इसके कोई भी कटोरी या बर्तन रख दीजिए जिसमें आप कोयला गरम करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम हाई फ्लेम में कोयले को अच्छे से गरम कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि कोयला है वो अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसे उस कटोरी में डाल देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के और इसे कवर कर देते हैं। गाइस, स्मोकी फ्लेवर है जो अच्छे से इसमें बैठ गया है, समा गया है। अब हम इस बर्तन को निकाल लेते हैं। अब आप इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस, ये हमारी स्मोकी फ्लेवर ग्वार फली भुर्जी बनकर तैयार है। हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।